गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं पहला लेक्चर अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का लेने आया हूँ। मैंने इसका टॉपिक है हमारा सिंगल रिलेटेड लैब ज्वाइन। इसके रिगार्डिंग मैं आपको व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो बना के भेज भी चुका हूँ, आप लोगों ने कुछ ट्राई भी किया होगा। इसी वीडियो को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज यहाँ प्रेजेंट हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि आपको यहाँ पे एक मैंने प्रीव्यू बना दिया कि सिंगल लिमिटेड लैब ज्वाइन कैसे दिखेगा। वैसे आपके पास बुक में भी होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसका एक प्रीव्यू यहाँ बना दिया। ये इस तरह से दिखेगा, ये इसका आपका टॉप व्यू हो जाएगा, इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेंगे, यहाँ पे अपनी सेंटर लाइन लेंगे। इस सेंटर लाइन के बाद क्या करेंगे, ये हमें यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से होगी 1.5 डी। इसके लिए मैं आपको बता भूल गया, माफ कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना, आपको जो एग्जाम में दिया होगा वो आपको दिया होगा टी थिकनेस ऑफ प्लेट, ये आपको दिया होगा थिकनेस ऑफ प्लेट दी होगी। उसके आधार पे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिसके आधार पे आप रिवेट का डायमीटर लगा देंगे। तो रिवेट का डायमीटर जो होता है वो आपका होता है 6√T, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी, इसका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अगर मैं मान लीजिए मैंने टी आपका कितना ले लिया, 16 mm ले लिया, तो इसका डी कितना निकलेगा, इसका डी निकलेगा लगभग लगभग आपका कितना, 24 mm, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा टी आपको मैंने 16 लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डी कितना हो गया, 24, क्लियर। तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो। टी स्क्वायर टू मेरा 16 लिया, तो मेरा डी स्क्वायर टू 24 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर लाइन ली, सेंटर लाइन से बाद आपकी एक डिस्टेंस लेनी है 1.5 डी की, तो 1.5 डी की यहाँ से गैप छोड़ के एक लाइन ले लेगी और एक लाइन इधर ले लेंगे 1.5 डी की, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको